हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी मिश्रा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनपुर में। तो आज मैं आपको बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। मैंने ब्लाउज के लिए 30.5 इंच रखी है और 3 इंच की चौड़ाई देते हम गले की मार्किंग कर देंगे और नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पे मार्क करेंगे। तो दोनों साइड से मैंने मार्क कर दिया कि स्ट्रेट लाइन से इसको बराबर कर लेते हैं। तो मैंने इसको स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल बराबर कर दिया। गले का लेंथ लेंगे तो मैं गले का लेंथ देख लीजिए 10.5 इंच रख रही हूँ, सॉरी 10 इंच रख रही हूँ। 10 इंच पर मैं मार्क कर देती हूँ और यहाँ से इसको भी बराबर कर देंगे। अब 1 इंच का गले में हम गोलाई करेंगे तो 1 इंच का बीच से मैं मार्क कर लेती हूँ। अब इसको बिल्कुल राउंड शेप में मार्क कर देंगे। अब बिल्कुल 1 इंच पे देखिए, मैं साइड में बिल्कुल साइड से ही 1 इंच पे मैं एक और मार्क कर रही हूँ। बिल्कुल राउंड में इसको भी मैंने मार्क किया, ये देख लीजिए। इसको बराबर कर लेते हैं पूरा जो मैंने मार्किंग की है। अब मेरा डबल मार्किंग आ गया गले का। तो सबसे पहले हमने जो पहले मार्क किया था उसको कट कर लेते हैं। अब जो मैंने दूसरा किया इसको भी कट कर देंगे। तो इस पट्टी को एक साइड रख दीजिए क्योंकि अभी हमें डिज़ाइन बनाना है इससे। अब हम ब्लाउज़ का कपड़ा लेंगे, बिल्कुल बराबर रख लेंगे और अस्तर का गला जैसे कट के सेम वैसे ही ब्लाउज़ का गला भी कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने गला बिल्कुल अच्छे से कट कर दिया। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेते हैं, फिर एक सिलाई लगा के स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए मैंने कम्प्लीटली गले को स्टिच कर दिया है। पूरे गले पे हमें कट्स लगाना है तो अच्छे से पूरा कट्स लगा देते हैं गले पे। तो मैंने गले पे कट्स लगा दिया। अब इसको मुँह लट कर सीधा कर लेंगे, अच्छे से पूरा सीधा कर लीजिएगा। फिर इसके बाद एक सिलाई लगा के हम जो है गले को स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरा गला स्टिच हो चुका है। ब्लाउज की अराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरे ब्लाउज पे हम एक सिलाई लगा के पूरा स्टिच कर लेते हैं। तो मैंने पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया है। अब मुझे गले पे इसके डिज़ाइन करना है तो इसको हम एक साइड कर लेते हैं। और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये गोल्डन कलर की पट्टी ली है, इसको मैं डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेती हूँ। एक साइड से देखिए मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से आप भी स्टिच कर लीजिएगा। तो मैंने देखिए पतली वाली पट्टी स्टिच कर ली है। अब इसको मैं उलट कर सीधा कर देती हूँ। बिल्कुल गोल वाली डोरी है, सेम इसी तरीके से आपको भी बनाना है। इसको अच्छे तरीके से मैं पूरा सीधा कर लेती हूँ। तो मैंने देखिए डोरी को सीधी कर दिया है। इससे मैं डिज़ाइन बनाना है, इसको एक साइड करेंगे। और मैंने ये रेड कलर का कपड़ा लिया, इसकी भी मुझे थोड़ी सी चौड़ी पट्टी बनानी है, उसको मैं स्टिच कर लेती हूँ डबल फोल्ड करके। तो मैंने पट्टी स्टिच कर दी है, इसको साइड में हम कट कर लेते हैं पहले। ये देखिए मैंने कट कर लिया। अब इसको मैं उलट कर सीधा कर देती हूँ। ये मेरी पट्टी सीधी हो चुकी है। दोनों साइड से एक एक सिलाई लगा के इसको मैं स्टिच कर लेते हैं। एक साइड से मैंने सिलाई लगा दिया है, सेम इस तरीके से दूसरे साइड से भी पूरा सिलाई लगा देंगे। तो मैंने दोनों साइड से कम्प्लीटली सिलाई लगा लिया है। ये पट्टी मेरी कंप्लीट बन चुकी है। अब इसको हम कट करना है। इसको हम 1.5 इंच की लंबाई पे कट करेंगे। मैं आपको साइज करके दिखा देती हूँ। ये देखिए 1.5 इंच की मैंने लंबाई पे ले लिया है। अब इसी साइज पे हम पूरा फोल्ड कर लेंगे 1.5 इंच की लंबाई पे ही।
जितने पार्ट्स आ सके एक पट्टी में उतने पार्ट्स हम 1.5 इंच की लंबाई में फोल्ड कर लेंगे पूरा। अब इसको हम अलग अलग पार्ट में पूरा कट कर देते हैं। ये देखिए मैंने पूरा कट कर दिया अलग अलग पार्ट में करके, इसको एक साइड कर लिया है मैंने। ये मैंने पेपर लिया है, मैंने बुक का पेज लिया है, इसको मैं डबल फोल्ड की हूँ। और जो मैंने गले में से पट्टी कट करके निकाली थी 1 इंच की, सेम वही पट्टी मैंने ले लिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो गले के साइड से देखिए मैं बिल्कुल बराबर में कट की हूँ, नीचे के साइड से 1 इंच आप एक्स्ट्रा कट कीजिए क्योंकि हमें स्टिचिंग में भी लेना है इसको। ये मैंने कट कर दिया है। अब इस पट्टी को हम हटा देते हैं जो मैंने पेपर का ये कट किया है बुक का पेज का। इसको मैं इस पर डिज़ाइन करूँगी। तो मैंने ये जो पट्टी ली इसको मैं डबल फोल्ड करके पूरा स्टिच कर देती हूँ इस पर। तो कैसे मैं स्टिच कर रही हूँ डबल फोल्ड करके आप वीडियो में देख लीजिए, थोड़ा सा गैपिंग देते हुए, फिर इसके बाद तब स्टिच कीजिएगा इसको। इसी तरीके से डबल फोल्ड करते हम पूरा स्टिच कर लेंगे। ये मेरा पूरा स्टिच हो चुका है। अब इस पर मैं डिज़ाइन करना है। तो जो मैंने डोरी कट बनाई थी गोल्डन कलर की, उस डोरी का पहले मैं साइज़ कर लेती हूँ कितने साइज़ में हमारा डोरी आएगा। इस तरीके से आप साइज़ कर लीजिएगा, जितने लंबाई में आए डोरी उतना लंबाई आप ले लीजिएगा। फिर इसी लंबाई में हम सबको बराबर में करके फोल्ड कर लेते हैं। जितने पार्ट्स एक डोरी में आ सके उतने पार्ट्स में आप कर लीजिएगा। तो मैंने पूरा फोल्ड कर दिया। अब इसको मैं अलग अलग पार्ट में पूरा कट कर देती हूँ। तो मैंने देखिए पूरा डोरियों को कट कर दिया है। अब इस डिज़ाइन के अंदर हमें डोरियों को डालना है। तो मैं कैसे कच के अंदर डाल रही हूँ आप वीडियो में देख लीजिए, सेम ऐसे ही आप भी डाल दीजिएगा पूरे कच में। सेम ऐसे ही हम पूरे कच में देखिए मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं स्टिच करती हूँ। तो कैसे मैं स्टिच कर रही हूँ आप वीडियो में देख लीजिए, सेम ऐसे ही आप भी स्टिच कर लीजिएगा जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा आप रुक जाइए, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कैसे इसको स्टिच किया जा रहा है। देख लीजिए मैंने कैसे स्टिच किया, आपको दिख रहा है। सेम ऐसे आप भी स्टिच कर लीजिएगा। तो मैंने पूरा देखिए स्टिचिंग कर दी है डिज़ाइन की। अब मुझे इसको ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करना है। तो मैं ब्लाउज का कपड़ा लूँगी, सबसे पहले इस पर पाइपन करना है। तो ये मैंने पट्टी ली है गोल्डन कलर की, इसको मैं पहले डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेती हूँ पट्टी को। तो अच्छे से डबल फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेते हैं। मैंने ये पूरा स्टिच कर लिया डबल फोल्ड करके। अब पूरा जो मैंने गले पे ये डिज़ाइन बनाया इसके गले पे पूरा अच्छे तरीके से पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो मैंने गले पे देखिए पूरा स्टिच कर दिया। अब इसको मैं गोल करते हुए बिल्कुल अच्छे से पाइपन इसका बना लेती हूँ, फिर एक सिलाई लगा के हम स्टिच कर लेंगे। तो मैं कैसे पाइपन बना रही हूँ आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। सेम ऐसे ही आप भी पाइपन बना लीजिएगा, अच्छे से गोल करते हुए पूरा एक सिलाई लगा के स्टिच कर देंगे इसको। ये देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली पूरा ये डिज़ाइन बना दिया है। अब ब्लाउज के साथ में इसको अटैच करना है। तो बिल्कुल बीच का पार्ट ले लीजिएगा और ब्लाउज का भी बीच का पार्ट बिल्कुल ले लीजिएगा। वहाँ से हम इसको पहले मार्क कर देते हैं दूसरे के साथ में। यहाँ से हम बिल्कुल बीच का पार्ट लेते हैं, इधर साइड से बराबर कर देंगे। अब इसके बाद हम इसको बराबर रखते हुए पूरा एक साथ में जॉइंट कर देते हैं दोनों पार्ट को।
ये देखिए मैंने पूरा जॉइंट कर दिया इस पार्ट के साथ में। अब इसके ऊपर से हमें साइड में जहाँ से मैंने दोनों पार्ट को जॉइंट किया वहाँ से हमें एक लेस लगा लेंगे। तो मैं लेस लेती हूँ कोई भी और इसके ऊपर से स्टिच कर देते हैं लेस को साइड में बिल्कुल। तो देख लीजिए मैंने लेस को एक साइड से पहले स्टिच कर रही हूँ। एक साइड से पूरा लेस अच्छे तरीके से स्टिच कर लीजिएगा, फिर दूसरे साइड से भी बिल्कुल इसी तरीके से स्टिच कर देंगे। तो मैंने देखिए दोनों साइड से कम्प्लीटली लेस को लगा दिया डिज़ाइन पे। अब हम जो नीचे के साइड से मैंने पेपर यूज़ किया था डिज़ाइन बनाने में उसको अच्छे तरीके से पूरा रिमूव कर दीजिएगा। ये देखिए मेरी डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।